तो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं जानकी मंदिर। बहुत धूप है यहाँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी और धूप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जानकी मंदिर और जानकी महल है। यही है वो जनक जी का जनकपुर, जिसके बारे में लोग हमेशा सुनते हैं। यहीं माता सीता का जन्म भी हुआ था और यहीं उनकी शादी भी हुई थी। तो ये देखिए, ये है, यहीं माता सीता ने अपना पूरा बचपन बिताया है। यही है वो जानकी मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ, मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगा, पर बाहर से आप ये देख सकते हो, ये पूरा कैंपस है। ये है पूरा जानकी मंदिर का कैंपस। पीछे जो आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे ये है महल। तो अब हम अंदर जाएंगे।
तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर है, यही वो मंदिर है राम जानकी मंदिर, और यही है वो जानकी मंदिर जिसका जिनके नाम पे जनकपुर धाम नाम भी जाना जाता है। अंदर मैंने आपको दिखाया माँ सीता और राम जी की विग्रह अंदर स्थापित किए गए हैं। तो आपने ये पीछे देखा, यही है वो जानकी मंदिर जो हम देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं, और आपको भी हम दिखा रहे हैं जो आपके पीछे मंदिर आपको दिख रहा होगा। तो हम इसके बाद जाएंगे फिर मंडप देखने, जो कहा जाता है जहाँ पे राम जी और जानकी जी की, यानी राम जी और सीता जी की शादी हुई थी, वही मंडप देखने जाएंगे। वही मंडप आज भी वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे हम आपको जाते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि कैसा है। बहुत धूप है यहाँ, इसलिए बहुत शेड में आके मैं ऐसा खुद का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आँख भी खुल नहीं रही है, इतनी धूप है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो, एक बार आप लोग भी दर्शन कर लो और बोलो जय श्री राम। चश्मा पड़े नहीं थे।
तो अभी कुछ देर पहले जो आपने देखा वो राम जी, सीता जी और जनक जी के जो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी, उसको एज अ एनिमेशन कह सकते हैं या एज अ डॉल्स के रूप में और थोड़े मूविंग डॉल्स के रूप में दिखाया गया है, तो वही हमने देखा। और जानकी म्यूज़ियम में ऐसा और कुछ नहीं है जो आप देख सको और थोड़ा आप वो कर सको, ऐसा है कुछ नहीं। बस वही था जो नॉर्मल चीज़ें थी उनके लाइफ की चीज़ें, उसको एज ए डॉल्स के रूप में या एज ए स्टैचूज़ के रूप में दिखाया गया था। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, म्यूज़ियम हमने देख लिया, अब हम जाएंगे मंडप देखने के लिए। बहुत धूप है यहाँ और बहुत गर्मी भी है नेपाल में अभी, इधर जनकपुर में तो है। तो अभी हम आपको सीधा मंडप के पास मिलते हैं।